ओके तो वेलकम बैक इन न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो मेरी जर्नी है कैसे मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 18 का था पैसे कमाना धीरे धीरे, तो वो मैं आप लोगों को स्ट्रेट अप जैसा है एज इट इज़ बताऊंगा। मतलब कुछ भी उसमें छुपाने वाला नहीं हूँ, या फिर जैसा मेरे साथ सब हुआ वैसा ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एज इट इज़। तो स्टार्ट करते सबसे पहले जब मैं 11th क्लास में था, तो 11th क्लास में वही अपना टिपिकल मतलब माइंडसेट, मतलब कि तो क्या आगे जाके देखेंगे जॉब वॉब होगा तो फिर और जो पढ़ने को मिल रहा वो करेंगे। साइंस लिया था मैंने, तो फिर मैं नॉर्मल पढ़ता था एवरेज स्टूडेंट के बराबर, थोड़ा बहुत मस्ती दोस्तों के साथ, शाम को पढ़ाई थोड़ा बहुत और ऐसे चल रहा था। तो फिर 11th क्लास में मतलब मैंने मस्ती बहुत ज़्यादा की है, तो 11th क्लास में मेरे को कुछ जब रिज़ल्ट आया था तब रिज़ल्ट में मेरे को शायद 69% आए थे, और मतलब उस टाइम पे मेरे को इतना ज़्यादा कुछ दुख भी नहीं हुआ था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कुछ 70 के पास, 69 आया तो ठीक था मेरे लिए उस हिसाब से। फिर जब 12th की जब स्टार्टिंग थी तो फिर मैं एक ट्यूशन जाता था, तो जो ट्यूशन में एक बार भैया ने बोल दिया, जो हम लोग को पढ़ाते थे काफ़ी अच्छे थे भैया उनको, मतलब तो जब वो पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसे ही बोल दिया, देखो जितने भी तुमने मस्ती किया ना अपनी लाइफ में उन सब पे पर्दा डल जाएगा अगर तुम 12th में बहुत अच्छा करते हो, मतलब कि जितने भी तुम लोगों ने कांड किए हैं तो फिर सब पे एक साथ पर्दा डल जाएगा अगर तुम 12th में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो। तो फिर उसी के साथ मैंने सोचा कि यार चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं ना, कि एक बार अपना फुल बेस्ट परफॉर्म कर देते हैं, मतलब कि देख लेता हूँ, मैं खुद ही टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरा क्या पोटेंशियल है भाई, कि मतलब मैं किस लेवल तक अपना आगे बढ़ सकता हूँ खुद से। तो फिर जो 12th क्लास थी, तो फिर मैंने 12th में मतलब बहुत जम के मेहनत की, मतलब 12th में मैंने पूरी जान लगा दी थी, रात में 4-4 बजे तक पढ़ता था मैं, सब चीज़ें छोड़ दी थी, सारी मस्ती सब चीज़ें साइड में, दोस्त सब अपनी जगह, और जो मतलब मैं अपना पढ़ाई क्योंकि मेरे लिए ऐसा था क्योंकि 11th में इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था तो 12th में उसका डबल ही करना पड़ता था हर चीज़ में, क्योंकि 11th के इतने बेसिक्स क्लियर नहीं थे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 12th में पूरा टाइम पढ़ाई की और 12th में मेरे मार्क्स आए 90%, मतलब 90% के पास आ गए थे, CBSE बोर्ड में था मैं, तो फिर बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए एक अच्छी बात थी और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। तो फिर पॉइंट ये था कि जब मैं 90% लाया तो फिर एक्चुअली में मैं देख पाया खुद से कि मैं खुद से कितनी मेहनत कर सकता हूँ या फिर मैं अपने आप को कितने लिमिट तक पुश कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे को मालूम ही नहीं था कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने कभी अपने आप को पुश ही नहीं किया था वो लेवल तक। तो फिर ये जब मैं पुश करा तो फिर एटलीस्ट मेरे माइंड में इतना तो घुस गया यार मैं मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन जो 12th था और मेरा स्टार्टिंग से ये था कि खुद से कुछ स्टार्ट करना है, तो 12th में मैंने ऐसा माइंडसेट बना लिया था कि 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे, एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, फिर अच्छे कॉलेज में आएंगे, फिर एक अच्छा प्लेसमेंट ले लेंगे, और मतलब बहुत बढ़िया प्लेसमेंट ले लेंगे, फिर कुछ 10-15 साल जॉब करेंगे और उसके बाद जो मतलब 10 साल और उसके बाद एक काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट करके अपना कुछ स्टार्ट करेंगे, या फिर 5 साल जॉब करेंगे, कैसे भी मतलब एक अच्छा पहले मनी कलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब 12th चल रहा था, जब मैं 12th के फाइनल पेपर्स दे रहा था, तभी धीरे धीरे मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया, मतलब कि किसी ने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहता, तो ऑब्वियसली जो सबका रहता है साइंस के बाद इंजीनियरिंग, तो मैंने बोला इंजीनियरिंग। तो फिर किसी ने ऐसे पूछ लिया क्यों करना है, लेकिन तुमने ये कभी पूछा है कि क्या करना है क्यों करना है, तो फिर मैं ये पूछने लगा यार अपने आप से क्यों करना है मेरे को, तो उसका मेरे पास आंसर था नहीं, जस्ट मेन यही था कि ऐसे करके पैसे कमाने को अच्छा मिल जाएगा और सब लोग ये करें तो यही करेंगे। तो मैं बहुत क्वेश्चन करने लगा अपने आप से। फिर उस टाइम पर 12th के बाद मेरा एकदम अजीब सा माइंडसेट हो गया था, मतलब सब चीज़ में मेरा दिमाग किसी चीज़ में लगता ही नहीं था, मतलब कि जो पेपर्स रहते हैं ना अपन लोगों के, मेंस रहता है उसके बाद दूसरे CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहते हैं, तो मेरा उस सब में इतना ज़्यादा दिमाग लग ही रहा था क्योंकि मैं सोचा था यार मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट अभी तक कंफर्म नहीं है कि मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है या फिर उस चीज़ में, तो फिर मैं करना क्यों चाह रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने फिर 12th के बाद सोचा कि यार चलो BBA करेंगे, क्योंकि BBA में बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो BBA करेंगे तो फिर क्या पता बिजनेस रिलेटेड करेंगे तो फिर बिजनेस में दिमाग लग जाए। तो लेकिन मैं ऐसे कॉलेजेस सर्च करने गया, तो कॉलेजेस में कैसा था कि जो कॉलेजेस है उसमें भी कुछ इतना ज़्यादा पढ़ाई होता नहीं था, और सब मैंने जितना नोटिस किया, मैं सब कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, जो मैंने अपने आसपास के घर के पास के जो कॉलेजेस देखे उन सब में मोस्टली जो BBA के कॉलेजेस थे, मतलब ऐसे टाइम पास चल रहा था या फिर इतने ज़्यादा बच्चे ही नहीं आते थे
पढ़ने के लिए या फिर आ रहे हैं तो फिर एक दो घंटे का सुबह क्लास हुआ सा टाइम पास कर रहे, घूम रहे, मस्ती कर रहे। तो फिर मैंने कहा यार ये भी मतलब कि इन लोगों के साथ रहूँगा या फिर ऐसा मेरा माइंडसेट तो फिर कुछ अच्छा बनेगा नहीं, मतलब कि मेरा एकदम फोकस माइंडसेट तो रहेगा नहीं। तो फिर मेरे को एक अंकल से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को कहा कि देख तेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी या फिर तेरे को वो नहीं करना तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भाग के तू कुछ और कर ले, मतलब कि अगर तू इंजीनियरिंग चढ़ रहा है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तू ज़बरदस्ती कुछ और कर ले, मतलब वो भी तो गलत ही हुआ ना। तो फिर हाँ मैंने कहा कि ये बात भी सही है अंकल की, और पॉइंट भी है इसमें कि एक चीज़ से बचना है तो दूसरी चीज़ में क्यों डूबना। तो फिर वही कि फिर मैंने सोचा कि एक अपने घर के पास ही एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज ले लेते हैं, जिससे कि कैसा रहेगा घर पर रहूँगा तो फिर एक्सेस रहेगा, दूसरा भी अगर कुछ और साइड बाय साइड करता रहा तो फिर उसका भी एक्सेस रहेगा, वो भी स्टार्ट कर देंगे और इंजीनियरिंग भी साइड बाय साइड करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो सब उसके लिए प्रिपेयर किया था, उसी के थ्रू मार्क्स भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो महाराष्ट्र का रहता है MSCET उसमें ढंग के मार्क्स आ गए तो फिर मिल जाता कॉलेज। तो फिर एक घर के पास डिसेंट कॉलेज ले लिया एंड उसके बाद अपना स्टार्ट किया, मतलब कि सबसे पहले जब मैं कॉलेज गया था तो फिर मेरे दिमाग में बस ये था कि भाई कॉलेज में स्टार्टिंग से शेयर मार्केट में देखेंगे, और मेरे को ये शेयर मार्केट के थोड़ा बहुत एक मॉड्यूल थी तो कुछ मतलब उसमें शेयर मार्केट के जो स्टैट्स रहते हैं जैपनीज के वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं स्टडी करने के लिए, कैसे ग्राफ जा रहे हैं तो जैपनीज इंडस्ट्री कैसे ऐसे करके बहुत कुछ रहता है, वो सब थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। कुछ 400 पेजेस की मॉड्यूल थी वो मैंने ख़त्म कर दी, लेकिन धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ किया कि शेयर मार्केट में अगर एक्चुअल में पैसा कमाना है तो फिर तुम्हारे पास होना भी चाहिए पैसा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम 500 रुपये लगाओगे तो तुम मिलियनर बन जाओगे, और ऐसा था कि जो शेयर मार्केट वाली चीज़ थी वो ऑब्वियसली जब मार्केट स्टार्ट होता है सुबह और ख़त्म हो जाता है अपना 3 बजे तो वो टाइम तो भाई कॉलेज में रहते हैं पूरे टाइम, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, थोड़ा मेरा क्रिएटिव माइंडसेट है तो फिर मेरे को कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है साइड बाय साइड, या फिर मतलब मेरे को इतना ज़्यादा अभी पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे करके मेरा शेयर मार्केट का जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कैंसिल हो गया, फिर मेरे को मतलब मेन फोकस उस पर नहीं डालना था। तो फिर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को कुछ ट्राई करना है तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, क्या पता आप लोगों के लिए वो चीज़ ना होए तो फिर आप लोग वो धीरे धीरे करके कैंसिल कर सकते हो, क्या पता आप लोगों को पसंद ना आए तो आप वो धीरे धीरे करके अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा, फिर आप वो छोड़ दोगे, जैसे मेरा ये शेयर मार्केट से इंटरेस्ट हटा उस टाइम पर। फिर मेरे को धीरे धीरे ये जो मार्केटिंग की जो डिजिटल मार्केटिंग है और ये मार्केटिंग वाली चीज़ ना उस टाइम में बहुत फैसिनेटिंग लगती, क्योंकि कैसा था कि ये ग्रो होती जा रही थी, और जो डिजिटल मार्केटिंग है जो जितने भी एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं हम लोग हर जगह, वो मैं इतना सोचता था कि यार इतने एड्स हर जगह इतने एड्स, मतलब ये तो फिर मेरा ऐसा माइंड चलने लगा कि यार ये मार्केट कितना बड़ा होगा, मतलब सब लोग इधर एड्स कर रहे हैं हर जगह, और सब लोगों का मेन सोर्स यही होता है इनकम जनरेट करने का डिजिटल, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म पे है सोशल मीडिया पे है तो ब्रांड्स या फिर एड्स मार्केटिंग वही सेम चीज़। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा एक वो हो सकता है कि मतलब ये एक फील्ड हो सकती है जिसमें मैं कुछ कर पाऊँ, तो फिर मैं धीरे धीरे ये डिजिटल मार्केटिंग ये सब पढ़ना चालू किया। फिर इसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, कभी किसी दिन एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा और फिर मतलब कि मैं सोच रहा था कि खुद की एक वेबसाइट बनाते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। तो फिर धीरे धीरे नोटिस किया कि और गूगल का भी ऐसा है कि मतलब कि अभी लोग इतने ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं, सबको मालूम है, तो फिर लोग वीडियोस देखने जाते हैं उसके बजाय कि मैं वीडियोस के थ्रू देख के जल्दी से समझ लूँ, और इतना बड़ा आर्टिकल कौन पढ़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि यार एक ब्लॉग पेज बनाने के लिए पेज बनाएंगे, फिर साइट परचेस करना पड़ेगा और डोमेन परचेस करना पड़ेगा, होस्टिंग करनी पड़ेगी, इससे बेटर है, या फिर वर्डप्रेस की भी बना सकता था मैं, लेकिन इससे बेटर है कि एक यूट्यूब का चैनल ही खोल लेते हैं। तो फिर जब मैंने चैनल खोला था तो फिर मेरा मेन फोकस ये नहीं था कि यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करना, जो एफिलिएट लिंक्स रहते हैं वो एफिलिएट लिंक्स के थ्रू मैं एफिलिएट मार्केटिंग मेरे को आती थी कैसे करते हैं, तो फिर मैं एफिलिएट लिंक विंक डाल के मेरा मेन फोकस यही था कि स्टार्टिंग से कि एफिलिएट से पैसे जनरेट करने हैं। तो मैं यूट्यूब पे आप लोग मेरे वीडियोस पढ़ो, मैंने डिलीट नहीं किया तो आप लोग जाके देख सकते हो, अभी तक तो डिलीट नहीं किया इन फ्यूचर पता नहीं, तो आप लोग जाके देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग कैसे की थी और कैसे प्रोडक्ट्स डाले, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ऐसे करके मैं प्रोडक्ट्स डालता रहा अपने चैनल पे और उसके नीचे एफिलिएट लिंक्स डालता था। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हुई थी कि आप पहले सिर्फ
पता नहीं, पहले शायद व्यूज़ पे था कि अगर आपके इतने व्यूज़ आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आप चैनल मोनेटाइज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद सब्सक्राइबर्स और फिर ये वॉच आवर्स का हो गया, तो 10,000 वॉच आवर्स और 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो फिर उस टाइम पे इतने ज़्यादा जो चैनल्स थे सबका पाइलअप होने लगा, क्योंकि यूट्यूब पे खुद पर्सनली वहाँ पे वो लोग खुद से बैठ के मॉनिटर करते थे और खुद से पास करते थे चैनल्स को। तो फिर पॉइंट ये था कि वो लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा चैनल्स ऐसे थे जो मोनेटाइज, मतलब जिन लोगों ने पार कर लिया था जैसे वॉच आवर्स का टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर्स। मेरा भी चैनल उनमें से ही था, लेकिन भी बहुत थोड़ा टाइम लगा मतलब मोनेटाइजेशन होने में। तो फिर जब मोनेटाइजेशन हुआ तो मोनेटाइजेशन मेरा हुआ था मतलब कि जब मेरे कुछ 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले थे तब जाके मेरा इन लोगों ने अप्रूव किया। तो फिर उससे पहले लेकिन मैं एफिलिएट से कमाना चालू कर दिया था, और एफिलिएट का कैसा रहता है कि अगर आपने ये महीने में कमाया तो आपको 2 महीने बाद उसका पेमेंट आएगा, क्योंकि कैसा रहता है कि अगर आपने कुछ ऑर्डर्स आपके लिंक्स के थ्रू हुए हैं और कुछ लोग रिटर्न भी कर देते हैं और 1 महीने की तो रिटर्न पॉलिसी रहती है, तो फिर जब वो हो जाते रिटर्न पॉलिसी का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद अमेज़ॉन वेरीफाई करता है, फिर आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट उसके थ्रू अर्निंग होती है 2 महीने बाद आता है। तो फिर मैं करता रहा, फिर 2 महीने बाद सबसे पहला पेमेंट मेरे को अमेज़ॉन से आया था, तो सबसे पहले तो 2,000 रुपये आए थे, और वही मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ थी ना, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो फिर वही अपने 18 का एज था, और जब मैं 18 का था तो फट से मैंने सबसे पहले अपना अकाउंट खुलवाया था बैंक में पैन कार्ड लेने के बाद, ताकि अपना यहाँ पे अकाउंट दे पाऊँ बैंक अकाउंट। और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मेरे को ग्रो होने में, मतलब कि मेरा 5वां वीडियो, क्योंकि मेरे को मार्केटिंग का नॉलेज था तो मेरा कुछ यूट्यूब पे वो थोड़ा बहुत मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने ट्रिक्स लगाए, तो फिर उसके बाद मेरा ये जो था पहले वीडियो से जो भी इनकम जनरेट हुआ तो मेरे को कुछ 2,000 रुपये आए थे। वो मतलब ऐसा रहता ना जो फीलिंग रहता है खुद से अर्न करने का, मैं ऐसे बैंक में गया और बस अपना मतलब पैसे निकाले भी नहीं थे, जो अपना मिनी स्टेटमेंट रहता है बैंक से वो निकाला और उसमें दिखा भाई 2,000 रुपये खुद से आ गया बैंक में। फिर मैंने बताया किसी को नहीं था, और हाँ ये चीज़ थी कि जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले थे उससे पहले ही मम्मी पापा को पता चला है, उससे पहले मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बताया था, किसी दोस्त के थ्रू यूट्यूब चैनल पे प्रमोशंस नहीं करवाया मैंने, मतलब कि ऐसे रहता ना कि दोस्तों को शेयर करते, तो वो सब मेरे को ऐसा था कि खुद से स्टार्ट करना है, तो बिना बताए स्टार्ट किया था। और फिर जब 1,00,000 के पास होने लगे और फिर जब 1,00,000 के ऊपर निकला और धीरे धीरे फेस दिखाना चालू किया मैंने वीडियोस में, तब जाके मेरे दोस्तों को पता चला कि हाँ भाई ये इसका चैनल भी ऐसे करके, और पेरेंट्स को जब 1,00,000 के पास होने वाले तो तब रुका नहीं गया, तो फिर तब जाके मैंने बताया था उस टाइम पे। तो ऐसे करके मेरी जर्नी थी ये, और धीरे धीरे एफिलिएट मार्केटिंग से फिर यूट्यूब से भी जनरेट होने लगे पैसे, और उस टाइम पे मेरी एज थी जब पैसे आना चालू हुए थे तब 18 ही थी, और फिर 18 और 19 तक, और अभी मैं 20 साल का हूँ मतलब। तो फिर यही था मेरा जर्नी, और मेरा पॉइंट ये है कि देखो, बताने का पॉइंट ये है कि अगर जो लोग भी मेरी मैं चलो अपने से जो मेरे इस जो बड़े हों शायद उनको मोटिवेट या फिर उनको कुछ बता या फिर उनको कुछ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन जो मेरी इससे छोटे हैं या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली क्या पता देखें ये वीडियो और उनको कुछ इससे रिलेटेड आइडिया मिले और वो लोग भी ऐसे ही कुछ स्टार्ट कर पाए, क्योंकि आप लोगों को कुछ स्टार्ट करना है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीज़ें छोड़ दो, आप साइड बाय साइड कर सकते हो धीरे धीरे, और मैं भी ऐसे करता रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग में एकदम ही मेरा डाउन ही हो गया, इंजीनियरिंग में अभी भी कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो भी अच्छी चल रही है, कुछ उसमें भी इशू नहीं है, पास अच्छे से हो जाता हूँ, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये नहीं है कि आप लोग अगर आप दूसरे फील्ड में हो तो आप लोगों को मतलब कि जो कुछ और आप साइड में कर रहे हो तो फिर आप नहीं कर सकते वो चीज़, आप दोनों में साइड बाई साइड कर सकते हो, और अगर आप उसके बाद कहीं एक अच्छे पोजीशन में पहुंच जाते हो फिर आप छोड़ सकते हो जो पहले कर रहे थे। भाई पूरी वीडियो का पॉइंट ये था कि खुद भी आप लोग भी स्टार्ट करो अगर आप लोगों को कुछ अपना खुद से स्टार्ट करना है, और यही था मेरा जर्नी, मैंने एज इट इज़ आप लोगों को बताने की कोशिश की कैसे मैंने स्टार्ट किया था। बताना वीडियो के कमेंट्स में आप लोगों को कैसा लगा, मैंने अभी बोला जैसे कि मेरा मेन फोकस अभी ये चैनल से ये है कि आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं कैसे भी सेंस में, मतलब कि जैसे होगा मेरे से पॉसिबल तो डिफरेंट डिफरेंट मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, और अनबॉक्सिंग वीडियोस आएंगे, ऐसा नहीं है मैं सब छोड़ ही दूंगा अनबॉक्सिंग, वो आने वाले वीडियोस, तो ऐसे ही चलेगा ये चैनल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बताओ कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।